फल ले रहे हैं। हम जा रहे हैं दीदी के घर पे द्वारका, और ये हमारे साथ गब्बू। हम जा रहे हैं मधु विहार, अभी हम बैठे हैं, सवारी पूरी नहीं हुई है, तो हम जाएंगे अभी मधु विहार। तो हम उतर चुके हैं मधु विहार थाने के सामने। अब हम यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और फिर जाएंगे जिधर हमें जाना है, पता नहीं है किधर जाना है, पर चलो। मेरा जूता ख़राब हो गया है, छी पूरी गंदी हो रखी है ये गली, भाई साहब बहुत बेकार है यहाँ तो। इन लगन भी आख शर लगा लगना होल भी शर लगा लगना होल जिन जो भी सरकार हो बहुत बेकार है, मेरे को पसंद नहीं आई बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदी, मेरे को यहाँ की सरकार बिल्कुल पसंद नहीं आई गाइस। यहाँ बहुत बेकार हो रखा है, यहाँ एक रोड नहीं बना पाई तो क्या करेगी यहाँ की सरकार। बाकी दिल्ली सरकार हद है यार, हद है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार 16 नंबर गली मिल गई, और अब हम जा रहे हैं अंदर दीदी के घर की ओर। दिव्या निवास आखिरकार आ चुका है, हमारी दीदी का घर। बड़ी मुश्किल से पहुँच गए हम यहाँ। पहले हमें यहीं पर उतारने पड़ेंगे क्योंकि तो जाएगी। खैर यहाँ रहते हैं किराएदार, और अब बिल्कुल चेंज कर दिया है दीदी लोगों ने। हम रिबड़ गया हुआ कद का भीतर रहता तो हम रिबड़ गया हुआ यार। जी जी नमस्ते, तुम हम तो लेना खड़के लेनी है। जी जी नमस्ते, ये माँ छपा सान किया गली बिछा हुआ शेत है। गब्बू कैसा लग रहा है? अच्छा अरे यकी छवा। हेलो गाइस, बहुत सुंदर बना दिया है दीदी ने घर, दीदी जीजू ने। दी नमस्ते, दी नमस्ते, जी जाल लगा जी मां सा फसा लगा शाल तो फसा लगा और ठीक ठाक। कक्षियों बहुत सुंदर बना रखा आपने, पर शक जो हुए ना जूता, ये देखिए गाइस बिल्कुल चेंज, अब दीदी लोगों ने पूरा नया बनाया, पहले बिल्कुल अलग था, बहुत मस्त लग रहा है ये। वो आज खाना खा रहे हैं और दीदी ने क्या बनाया, घर की दाल, गांव की दाल। अच्छा तो ये हम घर भटूट भी तो थी ना, और भट भी तो थी, ये है मिक्स दाल जैसे मैं बनाती हूँ घर पे राजमा वजमा डाल के, और बहुत टेस्टी हो रहा है। गब्बू कैसा हो रहा, गब्बू कैसा हो रहा, खाना कैसा बना है? मौसी क्या पूछ रही है? ये कैसा खाना कैसा बना है, बोल उधर ब्लॉग में दिखाना, ब्लॉग में देखना, सारे बना रहे यही रहेगा ना। तो गाइस खाना खाने के बाद थोड़ा हम बाहर आए, और ये हमारी दीदी जी, ये हमारी दूसरी दीदी जी, और यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो मम्मी का है। और यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हैं। हम जा रहे हैं बड़ी दीदी को मिलने, दीदी की जेठानी को, यही है। वे अंदर ही अंदर खूबिया, टिंग टोंग टिंग। अरे गब्बू गब्बू भी आइए, यहाँ तो है ही नहीं, यक तो अंजर हुई रे। तो
गाइस दीदी लोगों ने बहुत सुंदर घर बना रखा है, मेरे को तो अच्छा लगा, पर मैं कंफ्यूज होगी कि मेरे को कहाँ जाना है। यहाँ पे भी किराएदार रहते हैं। ये मादा एकदम ही कंफ्यूज हो गई रे। तो गाइस ये है छत। दी नमस्ते। हाँ बढ़िया, अब तो मल मस्त 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 लगनू मस्त बनाया। हाँ अरे पहल वाल तो अलग है ना, आयु है मी। तो गाइस दीदी लोगों ने बहुत मस्त बना दिया है। अम्मी तो भीतरे भीतर रे बढ़ियो काका। अच्छा तो गाइस यहाँ का मौसम, यहाँ के घर, हाँ ये देखिए तुलसी, कितने सारी तुलसी लगा रखी है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे मनी प्लांट्स अलग अलग, वाओ यहाँ पे फूल भी हो रखा है ये देखिए। यहाँ के घर देखिए जबरदस्त, यहाँ से नीचे देखिए, ककड़ी लगोल छ क्या यू के छ यू यू। हां वो ककड़ी ना वो के बोल दे, वो थोड़ी सीता फल बोल दे। अच्छा बेर कुमार के बोल, इधर तो घर में भी नहीं लगाया। यू के डाल छ अमरूद आ गए सूख देता पड़ा का, वो ऐसा मरु पड़ ना था वो आता। अब अमरूद खड़ी वाला अमल, हां वही तो तुलसी, इधर तो घर में भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 तो मर तुलसी का ही लगाया जी। सोची ये फारो से फार दे छ, वाह आपकी जाम जल्दी हुई यार। हां बढ़िया तो छ आयु लोग उले बड़े बड़े बड़े। अरे एक ताद है पता क्या हाजी बांध में रोगा था। अच्छा बहुत मस्त लगण, चलो गोदिन पार्टी खाना भी चल रहा है। ठीक है तो फिर से जाऊं छ। बाय शोभा, चलते हैं फिर पालन की ओर। अरे नाना की बात है, दीदी के घर पे दीदी आ रही हमें छोड़ने। पहले हम गलत मतलब आए तो सही रास्ते पर, वहाँ कीचड़ हो रखा था, अब दूसरे रास्ते जा रहे हैं हम। हाय तो गाइस दीदी आई है हमें छोड़ने और हम यहाँ से जाएंगे, देखते हैं। बाय बाय बाय। कितना ऐसे किसमें जा रहे हो, मजा कितना कितना। ओ भाई साहब, चलो हमारा स्टॉप आ गया है। तो गाइस कल से व्रत है तो व्रत का सामान ले रहे हैं हम यहाँ से। अभी गब्बू क्या ले रहा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे, है ना गब्बू। आप रात को खत्म कर देना क्या ये ब्लॉग, क्यों कैसा लगा आपको। मुझे हैं कैसा लगा पहले बताओ। अच्छा। मजा आया क्या खाया जेठी के घर, मजा आया। ऐसा बोलो जेठी जल्दी आऊंगा। बहुत मजा आया। तो गाइस तो दीदी के घर से आके थोड़ा सा आराम भी नहीं हो पाया और उसके बाद अब जा रहे हैं हम गब्बू को बर्थडे पार्टी में छोड़ने, वहाँ भेजेंगे उसको छोड़ेंगे क्योंकि उसके दोस्त का बर्थडे है। और मैं जाऊँगी चाचा के घर, गब्बू चाचा के घर। बिल्ली देखो कितनी खाली है। चलो हैप्पी बर्थडे, सब लोग केक काटोगे।
सही है, यहाँ पे नाम लिखा है और यहाँ से हम बुलाएंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी चाची के घर। किला कही तुम चुका पट्टा खा ला था भैया लोग का की ओ, मेरी चाची का हाउस कितना प्यारा है। ये लाइट ऑन कर रहा तुम, सबसे पहले मैं तुम्हारी घर दिखा। वेरी वेरी नाइस, टाइम पास नहीं हो पावा, टाइम पास।